मेरे पास इतनी संपत्ति है कि बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए की करोड़ों से भी ज्यादा है। अच्छा हाँ, मैं चाहता हूँ एक वारिस। ठीक अंकल जी, वारिस मेरे को मिल नहीं रहा, मैंने काफी कोशिश कर ली है जी अंकल जी। भाई ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करो, स्टार भेजो ताकि हाँ। मेरे को वारिस मिल सके। ठीक है, वारिस में क्या रिक्वायरमेंट देखते हैं? वारिस चाहे लड़का 20 साल का हो 30 साल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति से हो या शादीशुदा हो, मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा, आने जाने का, कहीं से भी आ रहा हूँ जी अंकल जी, उसका रहने का, खाने पीने का सब कुछ करूँगा, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर। अरे वाह अंकल जी, हमारी जिंदगी बना देंगे, इस प्रॉपर्टी को संभाल सके, जिंदगी बन जाएगी उसकी। अब की लड़की की शादी ना हो रही हो, उस लड़की की शादी करवाऊंगा, कोई बीमार हो उसका इलाज कराऊंगा, चाहे कितने रुपये लगो, 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, खुले दिल से करेंगे, खुले दिल से करूंगा। जो बिल्कुल मेरी किस्मत में एक बच्चा नहीं है, वारिस नहीं है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कोई वारिस मिल जाए, उसकी जिंदगी बना दो आप, है ना? बस उसकी जिंदगी बना दो और इसको संभाल से। अच्छा, अगर पसंद भी नहीं आए तब भी दो? पसंद नहीं आया जब भी दूंगा मैं। अरे वाह अंकल, 2 लाख रुपए पकड़ा दोगे आप, है ना? अच्छा अंकल, पैसे है मेरे पास, मैं पैसे रखता हूँ। वाह अंकल जी, देखो ये सारे हो चुके हैं उन्हीं के नाम, उसी को दे दूंगा मैं तो, है ना? कमेंट्स करो, हमने स्टार पर भेजो, जितना हमारे को पसंद आया खुद आमने सामने बुलाएंगे, मजबूर आदमी की पूरी सहायता करेंगे। भाई अंकल जी कैसे हो? आगे मैं नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा। ठीक अंकल जी? हाँ ठीक हूँ। अच्छा अंकल, आपने काफी दिनों बाद याद किया है मुझे, बताइए अंकल क्या हुआ आज? मेरे को दिल चाह रहा था मैं बच्चे को याद करूं, फोन भी किया था मैंने आपको। जी जी जी, थोड़ा सा बिजी था अंकल जी, उस वजह से उठा पाया। ऑफिस था मैं, इसलिए धूप में टहलने आया। अच्छा, यहाँ पर ऑफिस है? काफी बहुत प्यारा सेक्टर लग रहा है अंकल जी। बहुत बढ़िया सेक्टर है ये। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। अंकल जी बताइए आपकी असली रिक्वायरमेंट क्या है? भाई असली रिक्वायरमेंट तो ये है मेरी कि इस मेरे पास इतनी संपत्ति है कि बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए करोड़ों से भी ज्यादा है। अच्छा हाँ, मैं चाहता हूँ एक वारिस। ठीक अंकल जी, वारिस मेरे को मिल नहीं रहा, मैंने काफी कोशिश कर ली है जी अंकल जी। भाई ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करो, स्टार भेजो ताकि हाँ। मेरे को वारिस मिल सके। ठीक है, वारिस में क्या रिक्वायरमेंट देखते हैं? वारिस चाहे लड़का 20 साल का हो 30 साल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति से हो या शादीशुदा हो, मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा, आने जाने का, कहीं से भी आ रहा हूँ जी अंकल जी, उसका रहने का, खाने पीने का सब कुछ करूँ, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर। अरे वाह अंकल जी, हमारी जिंदगी बना देंगे, इस प्रॉपर्टी को संभाल सके, जिंदगी बन जाएगी उसकी। और भाई जब तक वारिस नहीं मिलता, मैं ये कहता हूँ कि कोई मजबूर आदमी है, ठीक है, मान लो कमेंट्स करो, स्टार पे करो, ज्यादा से ज्यादा भेजो। ठीक है, मेरा बच्चा रख रखा है, वो आपको हाईलाइट पर देख लेगा, वो बुलाएगा आप मेरे पास, और हम उस मजबूर आदमी की सहायता करेंगे, 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, खुले दिल से करेंगे, खुले दिल से करूंगा। जो बिल्कुल किसी लड़की की शादी ना हो रही हो, उस लड़की की शादी करवाऊंगा, कोई बीमार हो उसका इलाज कराऊंगा, चाहे कितने रुपये लगो मैं लगाऊंगा। वाह भाई वाह अंकल, मतलब ऐसे इंसान भाई धरती पर बहुत कम होते हैं, खुला पैसा। अच्छा अंकल, रीजन क्या है ऐसा, क्यों मतलब आप मजबूर है? मेरा है ना, भगवान की दया, इतनी प्रॉपर्टी दी है भगवान ने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन है ना मेरी किस्मत में एक बच्चा नहीं है, वारिस नहीं है मेरे पास, इसलिए आप चाहते हो वारिस, और ना मेरा कोई रिश्तेदार है, दूर दूर तक भी नहीं है, मैं इसलिए मजबूर है। तेरी आंटी भी थोड़ा बीमार रहती है, मैं भी 60 साल से ऊपर हो चुका, 65 का हो गया, हमारा क्या पता भरोसा बेटा, मैं चाहता हूँ कोई वारिस मिल जाए, उसकी जिंदगी बना दो आप, बस उसकी जिंदगी बना दो और इसको संभाल सके। उम्र क्या होनी चाहिए उसके अंदर? उम्र तो कोई वो नहीं है, 20, 30, 35, 40 कुछ भी हो, शादी शुदा हो कोई बात नहीं, अच्छा बच्चे बच्चे भी हो, तब भी बच्चे बच्चे हो, किसी भी जाति से हो, मुझे लो भाई हिंदू मुस्लिम को मजबूर आदमी, मतलब मजबूर ऐसा आदमी हो जो इस प्रॉपर्टी को संभाल ले। अरे अंकल, अच्छा कितने की करोड़, मतलब मैं बार बार पूछ रहा हूँ, पता ही नहीं, करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़ भी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है। अंकल आपको अच्छा लगता है मतलब मजबूर आदमी? मुझे तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो जाता है, कोई तो गरीब आदमी हमारे को दुआ देगा। बिल्कुल अंकल, को ये भी है कि अंकल आंटी सिर्फ 2 ही रिश्तेदार, कोई नहीं, कल को कुछ हो जाता भगवान न करे तो प्रॉपर्टी वैसे भी पता नहीं किसके हाथ में चली जाएगी, इससे अच्छा अंकल किसी की जिंदगी बना देंगे ना। मजबूर आदमी भाई, मजबूर आदमी जितने हैं, जिसका कुछ नहीं है, कोई मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूरी, कमेंट्स करो, स्टार पर करो, या लड़का बुलाएगा, मैं उसकी फुल सहायता करूंगा। अच्छा अच्छा अंकल, एक बात बताओ, अगर जो लड़का कमेंट करेगा या लड़की कमेंट करेगी और उनको आप बुलाओगे, तो वो कहीं से भी हो सकते हैं इंडिया में से, तो खर्चा वर्चा उनका फुल खर्चा दूंगा आने जाने का। अच्छा, उनका कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है ना, अभी वो मतलब सहायता करूंगा ही करूंगा, और बारिश के ना लायक होगा तो मैं उसको पैसे भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। अच्छा, अगर पसंद भी नहीं आए तब भी? पसंद नहीं आया जब भी
दूंगा मैं। अरे वाह अंकल, लाख दो लाख रुपए पकड़ा दोगे आप है ना। अच्छा अंकल पैसे है मेरे पास, मैं पैसे रखता हूँ। वाह अंकल जी, देखो ये सारे उसके हैं, उन्हीं के नाम सब उसी को दे दूंगा मैं। चलो ठीक है अंकल जी, तो भाई ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजना कमेंट से, ताकि आपका जो कमेंट हाईलाइट हो जाए, और फिर वो अंकल देख लेंगे, उसको बुला लेंगे, सारा खर्चा आपका उठा लेंगे। अच्छा अंकल, कुछ लोगों ने पैसे मांगते कि बोलते हैं पैसे, तो बेटा देखो वो तो फ्रॉड है। फिर अगर कोई पैसे मांगता ना आपको फोन करके कि हम इस चैनल से बोल रहे और पैसा दे दो हमें, तो भाई वो तो फ्रॉड मामला है भाई। हम तो है ना, कमेंट्स करो, हमने स्टार पर भेजो जितना हमारे को पसंद आया, खुद आमने सामने बुलाएंगे उसको, मजबूर आदमी की पूरी सहायता करेंगे। हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, तो अगर कोई पैसे मांग रहा है आपसे, एक रुपए भी मांग रहा है, तो फ्रॉड है वो फ्रॉड है बिल्कुल, है ना। ठीक है अंकल जी, चलो अंकल जी, मैं कमेंट में मतलब वीडियो आपके पब्लिश कर दूंगा, आपके पास स्टार भेजेंगे लोग, बुला लेना अंकल जी। हाँ मैं बुला लूंगा, बेचिंता होगा अपनी मजबूरी, चिंता होगा अपनी मजबूरी बताओ, दिल खोल के मैं उसकी सहायता करूंगा। ठीक है अंकल, मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही ज्यादा। ठीक है अंकल जी, समझ लो। चलो अंकल जी, आप टहल लीजिए और मैं आपकी वीडियो पब्लिश कर दूंगा। ठीक है अंकल जी, ओके, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते।